हाय फ्रेंड्स, आगे चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंटिजेंसी टेबल में। टू वे टेबल हमारी लगती है जब दो वेरिएबल हों और दोनों नॉन मेट्रिक हों, तब हमारी टू वे टेबल लगती है। आइए देखें कैसे यूज करेंगे टू वे टेबल। कौन कौन सा एज और जेंडर के बारे में बताओ। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, रो परसेंटेज वगैरह चाहिए, कॉलम परसेंटेज, और यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट भी है। फिशर टेस्ट कब लगाते हैं, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 5 से कम हो तब यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ सबसेट एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं। ओके, तो कहाँ गया हमारा आउटपुट, ये रहा आउटपुट। एज का, जेंडर का इतने इतने थे, परसेंटेज वाइज ये आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट ये, पी वैल्यू लेस देन 0.05, यहाँ तो बड़ी है, अगर होता तब हम बोलते यस बॉयज इस इनकम कैटेगरी से, सॉरी एज कैटेगरी से ज़्यादा है या गर्ल्स, दोनों में रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है कि कोई एक जेंडर की कोई एक कैटेगरी एज की किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ आपको हो सकता है लगे कि है तो 44 है बॉयज़, तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कैटेगरी, पर आप ये देखिए बॉयज जो हैं इसमें 77% है और इस कैटेगरी में 65% है, और इसके तो 100% ही है बॉयज़। तो नंबर हमें कभी भी सही बात नहीं बताती, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ टोटल, परसेंटेज से हमें ठीक पता लगता है कि क्या है, और ये हमारा परसेंटेज है रो वाइज। अगर इसी को कॉलम वाइज देखें तो हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कंटिजेंसी टेबल में कॉलम, आप एक साथ नहीं कर सकते, ये रेडियो बटन है। तो ओके, तो यहाँ हमारा आ गया इसमें। अब ये बता रहे, देखो मैसेज आ गया ना, ऊपर भी आया होगा मैसेज, हाँ आया है मैसेज यहाँ पे, फिशर का आ गया, टू साइडेड है, ये आ रहा है ना मैसेज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5। अच्छा हुआ हमने फिशर टेस्ट भी लगा लिया, खैर रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा, पर यहाँ फिशर रिपोर्ट होगा, अगर हमारी एक्सपेक्टेड ये मैसेज आ जाए ना अगर, तो फिशर को रिपोर्ट करना है आपको। फिशर अगर मतलब काई स्क्वायर टेस्ट जब वॉयलेट होता था तो फिशर टेस्ट, एग्जैक्ट टेस्ट बोलते हैं इसे, उसको रिजल्ट वही है सेम है, पर अब ये इस तरह से बढ़ा जाएगा कि सारे बॉयज के 57% इस कैटेगरी के थे, 27 इसके और इसके इस कैटेगरी के, ऐसे बढ़ा जाएगा। ये क्या बोल रहा है, आपको ये लग रहा है ना कि 44 बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स तो कम है, लेकिन ये रिमेंबर ये 13 out of 24 है, गर्ल्स का प्रपोर्शन कोई बहुत कम नहीं है, 54 है, और बॉयज का 44 out of 76 वो 57 है, यानी बहुत फर्क नहीं है, यही इसने बताया हमें, पी वैल्यू ने ना यही बात बताई है। आगे चलें, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कैटेगरी हो, मल्टीवेरिएबल, एज, जेंडर और इनकम का बताइए, रो परसेंटेज ये थोड़ा बाद में देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक टेबल आ गया एज का, जेंडर का, एज का, इस इनकम कैटेगरी का, इस इनकम कैटेगरी का, इस इनकम कैटेगरी का, सेपरेट सेपरेट आ गए हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा हो तब इस पे काम करते हैं। एंडर एनालाइज टू वे टेबल, अगर हमें खुद ही टेबल बना के काम करना हो, इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ एंटर काउंट है हमारा। अगर ये SPSS के नए वर्जन में आ गया ये चीज़, कई बार क्या होता है कि हम ना समरी ले आते हैं टेबल की, कि जैसे मैं बोलूँ कि ये है बॉय और ये है गर्ल, ये है हॉस्टलर डे स्कॉलर, और यहाँ नंबर एंटर कर दूँ और फिर मैं कहूँ कि अब इस पर लगताओ, तो ये बॉय, देखिए SPSS एक्सेल हमेशा ही कहते हैं रो डाटा एंटर करो, यानी अगर यहाँ 20 लिखा है तो आपको 20 टाइम्स ही एंटर करना पड़ेगा कि बॉयज और हॉस्टलर, लेकिन अगर आपके पास समरी हो तब फिर इसको यूज करते हैं टू वे। अभी मैंने इस पर काम नहीं किया तो इसको छोड़ सकते हैं, कंटिजेंसी टेबल में दो ही थे तो यहाँ रुकते हैं, अगले में फिर हम मीन की और अनोवा की इनकी बातें करते हैं फिर। थैंक यू।